ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਮ ਗਿਰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ अरुण वधवा ने कहा कि उन्हां वल्लों अज सिविल हस्पताल दे विच प्रबंधां दा निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि पीन दे पानी टॉयलेट अते पार्क वगैरह की इत्थे जांच की गई है। उन्होंने कहा कि पार्क दे विच पौधे लगाए जाएंगे अते एक वधिया पार्क इत्थे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल हस्पताल दे विच किसी तरह के प्रबंधा की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जेकर कोई कमी पाई जाती है तो इसको दुरुस्त भी करवाया जाएगा। किस तरह की जी चैकिंग की जा रही है संडे नूं? नहीं, ये साडा चैकिंग करना मसला मुद्दा नहीं हैगा। ये तो एक सीएम भगवंत मान जी, साडे कैबिनेट मंत्री, हेल्थ डिपार्टमेंट दे सरदार चेतन सिंह जी, क्योंकि उन्होंने तरफों जो असी एक सारे पंजाब दे विच मुहिम छेड़ी हुई है ते इलेक्शन तो पहला असी लोगों नाल वादे कीते सीगे। साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन तो पहला इत्थे हरेक स्टेज के उत्ते वादा किया सी भी असी हेल्थ दा ते शिक्षा दा ये साडा पहल मुद्दा होएगा। तो इस वास्ते सानू एडवोकेट असीम गिरधर जी दे जुम्मे MLA नरिंदर पाल जी ने होस्पिटल दा जुम्मेवारी दा किया होया भी इहदी साफ सफाई दा ध्यान देना या डॉक्टर नाल गलबात करनी कोई कमी पेशी आती है तो मैनू दसना। तो मैं इन्हां दे नाल आ जाना इन्हां नाल इत्थे क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। उस वास्ते अज असी संडे सीगा, मैं कहा देखते हैं कि संडे वाले दिन भी सफाई करते हैं या छुट्टी ते बैठ जाते हैं। तो असी जदों भी साडा मन करता है, चाहे रात है चाहे दिन है, असी आपदी जिम्मेवारी नूं पूरा निभाते हैं। तो असी आ जाने चैकिंग करन ते वधिया लगता है। पहुंचने तो बाद किस तरह दे नहीं, सफाई अच्छी है। ऐतवार वाले दिन भी सफाई की हुई है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी ते ने एमरजेंसी दे विच, सिस्टर भी बैठे ने। बाकी जिहड़ा अज तक जिहड़ा कि होस्पिटल नूं जदों दा मुहूर्त होया इहदियां कमियां तां काफ़ी ने, क्योंकि पिछली सरकार ने जल्दबाजी मुहूर्त तां जरूर करता, कमियां बहुत छड़तियां, लेकिन वो कमियां नूं असी पूरा करांगे। धीरे धीरे असी पूरे मुकाम ते पहुँचांगे ते फाजिलका दा होस्पिटल पंजाब दे विच एक नंबर दे लिआण दे असी कोशिश कर रहे हैं। जिहड़े ग्राउंड ते गाह दी भी कटाई करवाई जा रही है, ये जदों दा होस्पिटल दा मुहूर्त होया पिछली सरकार ने किया है, मन लगता है उदों दा इहदे विच कोई मल ही नहीं आया होना। जिहड़ा कि मन दे विच आई साडे कि होस्पिटल दे विच एंट्रेंस करन ते कि साफ सुथरी जगह एक होस्पिटल दी शक्ल नूं वधिया शक्ल दिखे, तो जेकर कोई पेशेंट आंदा ना देख दिखाने वास्ते तो उनका मन तो पहला ही उत्थे ही खुश हो जाना चाहिए कि अद्धी बीमारी खत्म हो जाती है। इस वास्ते मैं लगता अज तक कदे घास कटाया भी ना होना। अज असी मशीन लियांदी है जिहड़ा कि घास कटाई करा रहे हैं। ये होस्पिटल दे एंट्री दे जिहड़ा भी ये पार्क बनाया है बहुत वधिया, असी पार्क इहनूं बनावांगे। बस जस्ट थोड़े दिनों दे विच इहनूं असी बहुत वधिया पार्क की शक्ल दे देंगे फाजिलका नूं। की लगता तुहानूं कितनी कु लंबाई हो चुकी है जिहड़ी घास दी है कटाई ना होने के कारण? ये तुहानू देख ही रहे, काफ़ी वड्डा वड्डा घास हो रहा है। देखो मशीन चल रही है तो करा रहे हैं असी। होस्पिटल की पार्किंग का भी जिहड़ा है वह भी बहुत वधिया, एक साइड पर पार्किंग का करन दा उधर ला तस्वीर जी, कितना टाइम होया होगा कि कितना वड्डा घास है। तो आ देखो हुण कटाई करके तो कितना वधिया लगेगा। तो पार्किंग दे विच कदे भी किसी ने एंट्री नहीं की, सामने इधरले पासे किन्ने वड्डा वड्डा घास होया है, घट्टो घट्ट चार चार फुट का विच होया है, तीन तीन फुट का। लेकिन असी कुछ दिनों दे विच ही इहनू बिल्कुल पूरी होस्पिटल नू बिल्कुल साफ सुथरा असी बना देंगे, क्योंकि एक इच्छा है साडे CM साहब दी, मंत्री जी दी ते फाजिलका दे साडे MLA नरिंदर सवना जी दी कि फाजिलका नू बहुत साफ सुथरा वधिया, पढ़ाई वास्ते है चाहे हेल्थ वास्ते है, असी बहुत वधिया फाजिलका नू करके देना है।